भारत में हम सब रात को सोते हैं, सूरज उगने पर जागते हैं और काम पर लगते हैं। जैसे कि सूरज डूबता है, रात होती है, हम वापस सो जाते हैं। हम दिन और रात 12 घंटे की संतुलित दिनचर्या से अभ्यस्त है। आप इस चक्र से अभ्यस्त है। हमारा सोने का चक्र और हमारे काम के घंटे अच्छी तरह से संतुलित है। दुनिया के 6 देशों में सूरज कभी डूबता नहीं है, रातें नहीं होती है। यहाँ तक कि जब आप अपना दिन का काम पूरा करते हैं, जैसे कि रात 8 बजे सूरज अभी भी होता है। आप रात 10 बजे तक अपना काम जारी रखें लेकिन सूरज अभी भी रहता है। आपको कैसा लगेगा कि आधी रात 2 बजे या पूरी रात बीत जाए फिर भी सूरज कभी डूबता नहीं है? या अगर सूरज नहीं उगता है, जब आप सुबह 7 बजे या 8 बजे उठते हैं तब भी अंधेरा रहता है, दिन भर अंधेरा रहता है। आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, कनाडा और अमेरिका के कुछ हिस्सों और स्वीडन जैसे स्थानों में जहाँ कभी अंधेरा नहीं होता है, मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। मैं आपको उन 6 देशों के बारे में बताता हूँ। नॉर्वे आर्कटिक सर्कल में स्थित है, जो पृथ्वी का सबसे उत्तरी भाग है। नॉर्वे के एक शहर स्वालबार्ड में 10 अप्रैल से 23 अगस्त तक सूरज लगातार चमकता रहता है। रात के समय भी सूरज चमकता है। फिनलैंड उत्तरी यूरोप में स्थित है, जहां गर्मियों के दौरान सीधे 73 दिनों के लिए सूर्य को देखने को मिलता है। इस दौरान सूर्य लगभग 73 दिनों तक चमकता रहता है, चाहे वह रात हो या दिन। जबकि सर्दियों के समय में इस क्षेत्र में सूरज की रोशनी नहीं दिखाई देती है, हर समय अंधेरा रहता है। प्रातःकाल में भी सूर्योदय नहीं होता है और अंधेरा बना रहता है, इसलिए दिन का समय नहीं लगता है। स्वीडन में सूरज लगातार चमकता रहता है और रात बहुत छोटी होती है। सूरज ढलता है और थोड़े समय में उग जाता है, मई के महीने से शुरू होकर 6 महीने के लिए। स्वीडन लगभग आधी रात को सूर्यास्त देखता है। और सूरज लगभग 4 बजे उग जाता है। आइसलैंड यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप है। भले ही रात में सूरज डूब जाता है लेकिन रात भर आसमान काफी साफ और चमकीला रहता है। जून के महीने में सूरज कभी अस्त नहीं होता है, 24 घंटे उजाला रहता है। नुनावुट कनाडा के उत्तर में आर्कटिक सर्कल के पास स्थित है। यह स्थान लगभग 2 महीने 2400 घंटे धूप देखता है। जबकि सर्दियों के दौरान इस स्थान पर लगातार 30 दिनों तक पूरा अंधेरा रहता है। अलास्का उत्तरी अमेरिका में स्थित एक राज्य है। मई से जुलाई तक वास्तव में यहाँ सूर्यास्त नहीं होता है। यह 2 महीने की अवधि के लिए चमकदार धूप वाली रातों का अनुभव कराता है। फिर नवंबर की शुरुआत से 30 दिनों तक सूरज बिल्कुल नहीं उगता है।
छह जगहों के देख चुके हैं जहाँ लगातार धूप रहती है या पूरा अंधेरा रहता है। आपको लग रहा होगा कि भारत अलग है। हम रोज़मर्रा के उजाले और अंधेरे के चक्रों के अभ्यस्त है। अंधहीन दिनों वाले इन स्थानों के पीछे वास्तव में एक विज्ञान है। मैं आपको समझाता हूँ। अध्ययनों के अनुसार पृथ्वी सीधी नहीं है बल्कि 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। इसके बाद पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ऊपर बताए गए छह देश उत्तर में आर्कटिक सर्कल के पास स्थित हैं। जब पृथ्वी घूमती है तो भारत जैसे देश जो नीचे है किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास उचित दिन और रात का चक्र होता है। इन क्षेत्रों का झुकाव पूरी तरह से सूर्य की ओर होता है और यहाँ तक कि जब पृथ्वी अपनी परिक्रमा पूरी कर लेती है तब भी ये छह स्थान सूर्य की ओर होते हैं। कभी कभी ये देश कई दिनों तक सूर्य का सामना नहीं करते हैं। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में या तो लगातार धूप रहती है या लगातार अंधेरा रहता है। यही इसके पीछे का विज्ञान है।